Hey guys, welcome back to my another video. This is Chris and you are watching thanxxx YouTube channel. और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Infocus Turbo 5 की अनबॉक्सिंग. So without take further time, let's go for it. दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे अपकमिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और बेल आइकॉन को भी दबाना क्योंकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ये रहा है हमारा Infocus का बॉक्स. तो चलिए अभी इसके की फीचर्स के बारे में देख लेते हैं. की फीचर्स क्या क्या हैं इस पर तो बॉक्स पर ज़्यादा नहीं दिखा है. 5000 mAh बैटरी, 13 MP का कैमरा, फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले जो आपको 5.2 इंच में आता है इसका डिस्प्ले. और इसमें फ्रंट कैमरा 5.5 MP है. तो अभी आप अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसको. ओके, ये रहा हमारा फ़ोन Infocus Turbo 5. इसका नहीं अच्छा खासा दिख रहा है लुक. 2.5D कर्व डिस्प्ले भी अच्छा दिख रहा है. फीचर्स एंड मेटल फिनिशिंग है. आपके फ़ोन हाथ में होगा तो फिसल भी नहीं रहेगा. ग्रिपी मेटल फिनिशिंग है. जब देखा इसको साइड में रखता हूँ जब तक दिखते हैं बॉक्स कंटेंट. इसमें आपको मिलता है USB-C टाइप केबल जो आपको चार्जिंग करने के लिए काम में आएगा मोबाइल को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए. देन आपको मिलता है एक चार्जर जो आपके फ़ोन को चार्जिंग करने में काम आएगा जो 5.2 वोल्ट का है. और एक मिलता है सिम इजेक्टर टूल. बस इतना ही आता है बॉक्स में, दूसरा तो खाली पड़ा है बॉक्स. इसको साइड में रख के फ़ोन को देखते हैं. अभी ये रहा हमारा फ़ोन. ये अभी लुक अच्छा दिख रहा है, फिनिशिंग भी अच्छी दिख रही है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है. आपके इसको राइट साइड में आपको वॉल्यूम रखकर और आपका पावर बटन मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको सिम डालने के लिए सिम स्लॉट मिलेगा. तो मैं अभी इसको ओपन करके देखता हूँ. ओपन कर लेते हैं. मेटल फिनिशिंग है दोस्तों, तो आपको थोड़ा अच्छा और प्रीमियम लगेगा. ये हाथ में से फिसलेगा नहीं. इसके हेडफोन जैक ऊपर दिया है और चार्जिंग पोर्ट नीचे दिया है. देख लेते हैं ओपन करके कि कैसा हाथ में लगेगा और कैसा इसका एंड्रॉयड सिस्टम वर्क कर रहा है, टच कैसा है. इसमें एंड्रॉयड 7.0 है जो कि नोगाट पे वर्क करता है. ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है. बैक साइड से भी अच्छा दिख रहा है. हाँ, ये स्टार्ट हो गया. मैं जब तक सेटअप कर लेता हूँ फास्ट से, फास्ट फॉरवर्ड करके सेटअप कर लेता हूँ. ओके, ये हो गया सेटअप. कैसा आएगा, मस्त लग रहा है फ़ोन. ज़बरदस्त एंड्रॉयड 7.0 पे काम करता है, अच्छा लग रहा है. रियर कैमरा 13 MP है, फ्रंट कैमरा 5 MP है, अच्छा है. टच भी अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छा है. अगर ये आपको ये फ़ोन लेना है तो मैं अमेज़न से आपको ले सकते हैं. इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. और आज के वीडियो में इतना ही बस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर मैं इस फ़ोन को कुछ दिन यूज़ करके इसका एक रिव्यू बनाऊँगा बाद में, आपको रिव्यू इसका देखना है तो आप लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिए तो मैं समझ लूँगा कि इसका रिव्यू बनाना है. फिर भी आज के वीडियो में इतना ही बस. आप वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.